सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। लू के जिनका असली नाम है काल लूकस, ये एक भगोड़े हैं जॉर्जिया के एक जेल से जो कि छुपते फिर रहे हैं हार्लम न्यूयॉर्क में। लू के एक ऐसे इंसान है जिनके पास स्पेशल पावर्स है। इनकी बॉडी पे किसी भी चीज का असर नहीं होता, ना तो बुलेट ना ही बॉम्ब। ये ऐसे इसलिए हैं क्योंकि जब ये जेल में बंद थे इनके ऊपर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसकी वजह से ये ऐसे बन गए। एपिसोड 1। दिन में ये झाड़ू पोछे का काम करते हैं एक बाल की दुकान पर जिसका नाम है पॉप्स बाबर शॉप, और रात में ये एक क्लब में काम करते हैं जो है कॉर्नल कॉटन मॉल स्टोक्स की। इस क्लब का नाम है हार्लम्स पैराडाइज। स्टोक्स एक क्रिमिनल है जो कि अपनी कजिन सिस्टर मारिया डिलर्ड जो कि एक काउंसिल वुमेन है, इनके कैंपेन फंड्स को यूज करके इस क्लब को खड़ा किया है और इनफैक्ट चला भी रहे हैं। एक दिन जब लू केज इस बार में काम कर रहे थे तब एक अंडरकवर ऑफिसर मिस्टी नाइट इनसे मिलती है। इनमें थोड़ी बात होती है और कुछ रोमांस भी होता है, बट मिस्टी इनको ये नहीं बताती कि ये एक ऑफिसर है बल्कि ये कहती है कि ये एक ऑडिटर है। लू केज उस रात अपने दोस्त डांटे की शिफ्ट कवर कर रहे थे जो कि उस रात अपने दोस्त शामिक और चीको के साथ एक गन डील करने गए थे अपने बॉस डोमिंगो कोलोगस के साथ। स्टोक्स को ये सारे गन मिलते हैं एक मिस्ट्री सप्लायर डायमंड बैग से। डील में गड़बड़ हो जाती है और गोलीबारी चालू हो जाती है। शामिक, चीको और डांटे गन्स लेते हैं और पैसे भी, बट डांटे डर जाते हैं और शामिक डांटे को गोली मार देते हैं। यहाँ पर मिस्ट्री और उनके पार्टनर स्काफ इस क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिससे उन्हें पॉप बार्बर शॉप का पता चलता है, जहाँ पर मिस्ट्री लू केज से मिलती है और लू को पता चलता है कि मिस्ट्री ने अपने ऑफिसर होने की बात उनसे छुपाई थी। डायमंड बैग के आदमी शेड्स की मदद से स्टोक्स शामिक को ढूंढ कर उनको मार देते हैं और अपने पैसे भी हासिल कर लेते हैं, मगर चीको अभी भी बचे हैं। दूसरी जगह मारिया स्टोक्स की मदद से अपने कैंपेन के लिए लोकल लैंडलॉर्ड जैसे कि जिन एंड कॉनी लिन से जबरदस्ती पैसे इकट्ठा करती है, जिनकी खुद की एक चाइनीज रेस्टोरेंट है गंगेज नाम से उन्हीं के बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर। जब लू केज स्टोक्स के आदमियों को कॉनी और जिन लिन को परेशान करते हुए देखते हैं तो वो अपने सुपर स्ट्रेंथ से उनकी मदद करते हैं। एपिसोड 2। पॉप लू केज से चीको को ढूंढने के लिए कहते हैं ताकि वो स्टोक से समझौता करके चीको की जान बचा सके। लूक चीको को ढूंढते हैं और पॉप्स के पास लेकर जाते हैं, मगर स्टोक्स का एक आदमी टोन इन्हें ढूंढ लेता है और इनके शॉप पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है, जहां पर पॉप की मौत हो जाती है और चीको घायल हो जाता है। जब स्टोक्स को इसके बारे में पता चलता है वो टोन को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसी दौरान बॉबी फिश जो कि पॉप के बेस्ट फ्रेंड थे जो कि काफी होनहार है चेस खेलने में, लूक को ये बताते हैं कि बैंक पॉप के शॉप को ले लेगा अगर उन्होंने शॉप का लोन नहीं भरा तो। अब लूक ये जानते हैं कि हार्लम कम्युनिटी के लिए ये शॉप बहुत जरूरी है एंड पॉप से इंस्पायर होकर लूक अपनी सुपर स्ट्रेंथ को यूज करते हैं कम्युनिटी सर्विस के लिए। एपिसोड 3। लूक अब स्टोक्स के जितने भी सेफ हाउस है जहाँ से वो अपना धंधा फैलाते हैं उन पर हमला करने लगते हैं ताकि स्टोक्स मजबूरन अपने सारे पैसे क्रिसमस एटिक्स कॉम्प्लेक्स में डाल दे जो कि न सिर्फ एक बहुत ही सुरक्षित हेविली गार्डेड सेफ हाउस है बल्कि एक रहने की जगह भी है जहां पर मरिया अपना खुद का घर भी बनाना चाहती है ताकि लोगों से इंटरेक्ट कर सके, उनपे इम्प्रेशन जमा सके। मगर लोग फिर भी इस जगह पर हमला करके लोगों को मार पीट के वहां पे मौजूद $7 मिलियन में से $80,000 एक बैग में लेकर बॉबी फिश को दे देते हैं ताकि बैंक को वो लोन दे सके और दुकान की मरम्मत कर सके। बाकी के पैसों को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है और स्टोक्स ऑलमोस्ट अपना सारा पैसा खो देते हैं। लूक चीको को ये कहते हैं कि वो स्टोक्स के खिलाफ गवाही दे, जिसके लिए चीको मिस्टी के पार्टनर स्काफ को फोन करते हैं और कहते हैं कि वो गवाही के लिए तैयार है, मगर स्काफ स्टोक के आदमी निकलते हैं और चीको को मार देते हैं। बदले की आग में स्टोक्स जंगेज कॉनीज के रेस्टोरेंट में मिसाइल दाग देते हैं जिससे पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और लूक और कॉनी उसमें दब जाते हैं। एपिसोड 4। जब कॉनी और लूक बिल्डिंग के मलबे में दबे होते हैं लूक केज अपने पास के बारे में सोचते हैं जब वो जेल में बंद थे जहां पर उनको फोर्स किया गया था जेल के एक इलीगल फाइट में लड़ने के लिए, जहां पर उनको एक थेरेपिस्ट डॉक्टर रेमर कॉनर से प्यार हो गया जिनसे उन्होंने आगे जाके शादी भी की। इस जेल में हम डॉक्टर नोवा बर्नस्टाइन को भी देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट करते हुए प्रिजन के कैदियों के ऊपर, जिसकी वजह से लूक को उनकी शक्ति मिली जिसकी मदद से वो जेल से भाग पाए। अब प्रेजेंट में बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबे लूक और कॉनी बच जाते हैं और लूक अपने असलियत और शक्ति के बारे में मीडिया को बता देते हैं। एपिसोड 5। स्टोक अपने गुंडों को हार्लम के लोगों को डराने के लिए कहते हैं और लोगों से ये कहलवाते हैं कि इसके जिम्मेदार लूक केज हैं। शेड्स लूक केज को पहचान जाते हैं सीक्रेट जेल से और स्टोक्स कहते हैं कि वो उनकी मदद करेंगे और वो स्टोक्स को एक बुलेट देते हैं जिसका नाम होता है जूडस बुलेट, जो कि एक्चुअली लूक को मार सकेगा।
बट डायमंड बैक इसके लिए बहुत पैसे मांगते हैं स्टोक्स से, जो कि स्टोक्स के पास नहीं होता। तो स्टोक्स अपने आदमी स्काफ को वो गन्स पुलिस कस्टडी से चुराने के लिए कहते हैं, जो कि पुलिस के हाथ लगती है, जो कि पुलिस को मिली थी डोमिंगो डील से। एपिसोड 6। स्काफ स्टोक्स से $1,00,000 एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं इस गन को चुराने के लिए। सो स्टोक्स स्काफ को गोली मार देते हैं और गन्स ले लेते हैं और इस गन को वापस डोमिंगो को बेच देते हैं। इसी दौरान क्लेयर टेम्पल, जो कि एक कॉमन कैरेक्टर है सभी मार्वल टीवी सीरीज में, जो कि हमेशा इन सुपर हीरोज की मेडिकली मदद करती है, जैसे कि डेयर डेविल, जेसिका जोन्स एक्सेट्रा, हार्लम आती है अपनी माँ सोल्डैड से मिलने और कहती है कि वो उन लोगों की मदद करना चाहती है जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज हैं। यहाँ पर क्लेयर लुक से मिलती है और इनका रोमांस आगे बढ़ता है। आगे स्काफ अचानक पॉप की बाबा शॉप पे आता है घायल अवस्था में लुक के पास, जहाँ लुक क्लेयर की मदद से इनको एक ऐसी जगह लेके जाती है जहाँ इनका इलाज हो सके। यहाँ पर हमें घमासान एक्शन देखने को मिलता है स्टोक्स के आदमियों, लूक केज, क्लेयर और स्काफ के बीच, जहाँ पर लूक केज स्काफ को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं स्टोक्स के आदमियों से, मगर नहीं बचा पाते और स्काफ मारे जाते हैं। मगर स्काफ के अपार्टमेंट पर स्काफ और स्टोक्स के बीच के डील के बारे में काफी सबूत होते हैं, जो कि लूक लेकर स्टोक्स को पकड़वाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक लाइव टीवी इंटरव्यू में एक रिपोर्टर मारिया और उनके कजिन स्टोक्स के बीच के लिंक को एक्सपोज कर देती है और डायमंड बून, जो कि एक तरह का पॉलिटिकल राइवल है मारिया का, उनको कहता है कि उनकी पार्टी ये चाहती है कि वो रिजाइन कर दे। एपिसोड 7। अब जो एविडेंस काफ देते हैं स्टोक्स के खिलाफ वो अदालत में इनडिसमिसिबल घोषित कर दी जाती है और स्टोक्स आजाद हो जाते हैं। स्टोक्स के एक फ्लैशबैक सीन में हम स्टोक्स को बड़ा होते हुए देखते हैं एक मॉबस्टर मामा मेबल के बीच और कैसे मामा मेबल ने स्टोक्स को फोर्स किया कि वो अपने अंकल पीट को मार दे, जिन्होंने उनके परिवार को धोखा दिया होता है। स्टोक्स लूक केज को धमकी देते हैं कि उनको पता है कि वो भगोड़े हैं जॉर्जिया जेल से और कहते हैं कि अगर वो हार्लम छोड़ के नहीं गए तो उनकी आइडेंटिटी सबको बता देंगे। बट क्लेयर यानी कि लूक की गर्लफ्रेंड लूक को कन्विंस करती है कि वो कहीं ना जाए और लड़े। यहाँ पर मारिया का पॉलिटिकल करियर खतरे में देख मारिया अपने कजिन स्टोक्स को कहती है कि वो लूक के पीछे ना जाए वरना उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, मगर स्टोक्स नहीं मानते और गुस्से में मारिया स्टोक्स को जान से मार देती है। शेड्स मारिया की मदद करता है स्टोक्स के खून को छुपाने की और उल्टा इसका इल्जाम ये दोनों मिलकर लूक केज पे डाल देते हैं। हार्लम पैराडाइज की एक वर्कर कैंडिस को मारिया कहती है कि वो पुलिस के सामने गवाही दे कि उन्होंने देखा लूक केज को स्टोक्स को मारते हुए और अब मिस्ट्री और सब पुलिस वाले लूक को पकड़ने की कोशिश में जुट जाते हैं। यहाँ पर अचानक डायमंड बैग खुद आकर लूक केज को जुडस बुलेट से गोली मार देते हैं, जिससे लूक बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। एपिसोड 8। अब क्लेयर जुडस बुलेट को लूक के बॉडी से नहीं निकाल सकती क्योंकि क्लेयर लूक के चमड़े को काट ही नहीं पाती गोली निकालने के लिए, क्योंकि लूक की बॉडी ऐसी ही है, मगर बुलेट अंदर से उनको धीरे धीरे मार रही है। डायमंड बैग यहाँ पे फिर से लूक और क्लेयर पर हमला कर देते हैं और तब लूक अचानक डायमंड बैग को पहचान जाते हैं, जो कि और कोई नहीं लूक केज के बचपन के दोस्त विलिस स्ट्राइकर हैं। डायमंड बैग लूक को एक और जुडस बुलेट से गोली मार देते हैं, जो कि लूक के सीने पे लगती है और वो नीचे एक कचरे की गाड़ी में गिर जाते हैं और गाड़ी चली जाती है वहाँ से। बट गोली मारने से पहले डायमंड बैग लूक को ये बताते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि लूक के सगे भाई हैं। ट्विस्ट। डायमंड बैग ऑलमोस्ट मिस्टी को मारी देते हैं बट किसी कारण उन्हें जिंदा छोड़ देते हैं। मिस्टी बहुत डरी हुई हालत में रहती है और इसी डरी हुई हालत में इंटरोगेशन के दौरान क्लेयर पर ऑलमोस्ट हमला कर देती हैं। इसी बीच इंस्पेक्टर रिडली बीच में आके उन्हें ऐसा करने से रोक देती हैं। एपिसोड 9। पुलिस अभी भी लूक को ढूंढ रही है और जब दो पुलिस ऑफिसर्स लूक को देखते हैं तो लूक खुद को डिफेंड करने के लिए उनसे लड़ते हैं, जो कि पुलिस की गाड़ी में मौजूद डैश कैम में रिकॉर्ड हो जाता है और फुटेज वायरल हो जाती है। अब लूक क्लेयर को अपनी सच्चाई बता देते हैं और दोनों जॉर्जिया जाते हैं डॉक्टर बर्नस्टाइन से मिलने ताकि वो उनकी मदद कर सके। डॉक्टर बर्नस्टाइन अब सीगेट जेल के लिए काम नहीं कर रहे हैं मगर उनके पास अभी भी वो एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं जिससे उन्होंने लूक को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाया था और ये डॉक्टर बर्नस्टाइन को एक ड्राइव देते हैं डॉक्टर रिवा का, जिसे ये लोग एक्सेस नहीं कर पाते। एपिसोड 10। क्लेयर और डॉक्टर बर्नस्टाइन लूक के बॉडी से गोली नहीं निकाल पाते मगर डॉक्टर रिवा की ड्राइव देखने के बाद उनको ये पता चलता है कि डॉक्टर रिवा भी जॉर्जिया जेल में चल रहे इलीगल फाइट का एक हिस्सा थी और साथ ही साथ लूक के एक्सपेरिमेंट में भी शामिल थी। ये सुनकर लूक बौखला उठते हैं और बर्नस्टाइन की सारी चीजें तबाह कर देते हैं ताकि वो ऐसा एक्सपेरिमेंट फिर से न कर पाए। बट जब लूक के जो क्लेयर वहां से चले जाते हैं तब हम देखते हैं कि डॉक्टर बर्नस्टाइन के पास अभी भी उस डेटा की एक कॉपी है जिससे वो अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर सके। तभी लूक को अचानक याद आता है कि उनके पिता जो कि एक प्रीचर है उनका उनके सेक्रेटरी से अफेयर था जिससे उन्हें एक लड़का हुआ था जो कि कोई और नहीं विलिस स्ट्राइकर एके डायमंड बैग थे। अब क्लेयर और लूक हार्लम जाते हैं डायमंड बैग से मिलने। मारिया डोमिंगो को सभी क्राइम बॉसेस की एक मीटिंग बुलाने को कहती है
मगर डायमंड बैग वहाँ आ जाते हैं और मारिया और डोमिंगो को छोड़कर वो सबको मार डालते हैं। मारिया डायमंड बैग से पूछते हैं कि वो क्रिमिनल्स को क्यों अपनी बंदूकें बेचना चाहते हैं, जबकि वो ये सब लीगल तरीके से भी बेचकर भरपूर पैसा कमा सकते हैं। ये दोनों मिलकर पुलिस को फिर कन्विंस करते हैं कि वो लोग इनसे जूडस बुलेट खरीदे ताकि वो लूक केज को मार सके। पुलिस को और मजबूर करने के लिए डायमंड बैग एक पुलिस ऑफिसर को मार देते हैं और इसका इल्जाम लूक केज पर डाल देते हैं ताकि पुलिस वालों को और गुस्सा आए और वो लूक केज को मार सके। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर एक जवान लड़के पर हमला कर देता है इंटरोगेशन के दौरान, जिसके विरोध में काफी लोग और मारिया हार्लम्स पैराडाइज के सामने प्रदर्शन करते हैं उस लड़के के सपोर्ट में। यहाँ पर मिस्ट्री डायमंड बैग को अरेस्ट करने के लिए पहुँचती है और उसी समय लूक और क्लेयर भी आ जाते हैं। डायमंड बैग मिस्ट्री को गोली मार देते हैं और सारी चीजें उलट पुलट हो जाती है। एपिसोड 11। हड़बड़ी में लोग वहाँ से भागते हैं मगर डायमंड बैग और उनके आदमी कुछ लोगों को बंधक बना लेते हैं और ऐसा दिखाते हैं लोगों को कि डायमंड बैग नहीं लूक केज ये सब कर रहे हैं हार्लम पैराडाइज के अंदर से, जबकि अब पुलिस क्लब के बाहर आर्म्ड खड़ी है जूडस बुलेट से। क्लब के अंदर लूक हिडन बेसमेंट तक पहुँचते हैं किसी तरह मिस्ट्री के साथ। क्लेयर, कैंडिस और डेमियन बून अब तीनों हॉस्टेज हैं। क्लेयर किसी तरह वहाँ से बचकर लूक और मिस्टी से मिल जाती है, जहाँ पर वो मिस्टी की मदद करती है क्योंकि इनको डायमंड बैग ने गोली मारी होती है। इसी बीच डायमंड बैग स्पीकर पे अनाउंस करते हैं कि अगर लूक बाहर नहीं आए तो वो एक एक करके सभी हॉस्टेज को मारने लगेंगे हर 10 मिनट पर। लूक बेसमेंट से निकलकर डायमंड बैग से लड़ने पहुंच जाते हैं। वहीं पर शेड्स किसी तरह मिस्टी और क्लेयर को ढूंढ लेते हैं। इन तीनों में लड़ाई होती है और क्लेयर और मिस्टी शेड्स को एक पाइप से बांध देती है। डायमंड बैग डेमियन बून को मार देते हैं और उनकी लाश बाहर भेज देते हैं। ये देखकर इंस्पेक्टर रिटली पुलिस को अंदर भेज देती है। जब लूक डायमंड बैग को पकड़ ही चुके होते हैं पुलिस आ जाती है और डायमंड बैग कैंडिस को सहारा बनाकर वहां से भाग जाते हैं। लूक केज, शेड्स और सारे गुंडों को पुलिस पकड़ लेती है। एपिसोड 12। पुलिस स्टेशन जाते हुए किसी तरह लूक भाग जाते हैं। मिस्ट्री डायमंड बैग को ढूंढने की कोशिश करती है और कैंडिस के जरिए लूक को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। कैंडिस को एहसास होता है कि उन्होंने गलती की थी मारिया की मदद करके। वो कहती है कि वो मारिया के खिलाफ गवाही देगी अगर पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे तो। मिस्टी कैंडिस को क्लेयर के माँ सोल्टैड के घर छोड़ देती है। डायमंड बैग शेड्स को बेल पर छुड़वा लेते हैं और उनको मरवाने की कोशिश करते हैं। डर के मारे शेड्स मारिया के साथ मिल जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें लूक केज की मदद करनी चाहिए डायमंड बैग को पकड़ने में। इसी बीच डोमिंगो और उनके आदमी डायमंड बैग को मारने की कोशिश करते हैं मगर डायमंड बैग अपने एक सीक्रेट वेपन से डोमिंगो और उनके सारे आदमियों को मार देते हैं। इसी बीच लूक एक स्टोर को लूटने से रोकते हैं जहां पर एक रैपर मेथड मैन मौजूद होते हैं। एक रेडियो शो में मेथड मैन लोगों को कहते हैं कि लूक अच्छा आदमी है और हार्लम की सारी पब्लिक लूक के सपोर्ट में हो जाती है। एपिसोड 13। डायमंड बैग एक सूट पहनकर जिनसे उनको लूक की तरह ही शक्ति मिलती है लूक केज पर हमला कर देते हैं। इसी मारामारी में शेड्स वो फोल्डर खो देते हैं जिसमें लूक की बेगुनाही का सबूत है। लूक डायमंड बैग को फाइनली हरा देते हैं मगर जान से नहीं मारते। लूक पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं से। मिस्टी मारिया को गिरफ्तार कर लेती है स्टोक्स के मर्डर के लिए। शेड्स को किसी तरह मिस्टी का फोन मिल जाता है जिससे वो कैंडिस से कांटेक्ट करते हैं मिस्टी बनकर और कैंडिस को मिलने के लिए बुलाते हैं और उनको मार देते हैं। और अब क्योंकि कैंडिस मर चुकी है तो मारिया के खिलाफ अब कोई सबूत नहीं है तो मिस्टी को मारिया को छोड़ना पड़ता है मजबूरन। दो पुलिस ऑफिसर सीक्रेट से आते हैं लूक को जेल वापस ले जाने के लिए। पॉप की बार्बर शॉप की दुकान पर बॉबी फिश को वो फोल्डर मिलता है जिसमें लूक की बेगुनाही का सबूत है। मारिया हार्लम पैराडाइज को फिर से चालू करती है और मिस्टी फिर से मारिया के पीछे लग जाती है सबूत जुटाने में। फाइनली डायमंड बैग के हॉस्पिटल रूम में हम डॉक्टर बर्नस्टाइन को देखते हैं उनके कमरे का दरवाजा बंद करते हुए। शायद अभी इन पर वही एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो इन्होंने लूक केज पर किया था। तो ये था सीजन 1 का पूरा रिकैप और जैसा कि लूक केज कहते हैं स्वीट क्रिसमस, ये बहुत बड़ा रिकैप था। एंड डू स्टिक अराउंड माय चैनल बिकॉज मैं सीजन 2 का भी इसी तरह जल्दी एक और रिकैप जरूर करूंगा। तो आपको हमारा ये रिकैप कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।